उत्तरकाशी जिले के सिलकियारा सुरंग में अभी भी मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। इन 41 श्रमिकों को सुरंग में फंसे हुए 14 दिन का समय हो चुका है। 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन हुए हादसे और उसके बाद चलाए गए बचाव अभियान के दौरान कई रुकावटें आई हैं। शुक्रवार रात को फिर 47 मीटर पर ड्रिलिंग रुक गई। अभी करीब 10 मीटर तक और ड्रिलिंग बचा हुआ है। टनल में नोवा पाइप ड्रिल किया जा रहा है, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण ड्रिलिंग रोक दिया गया है। दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिलकियारा पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रेस्क्यू अभियान है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें पूरी दक्षता और क्षमता से लगी हुई है। आपको बता दें कि श्रमिकों को निकालने के लिए ऑगर मशीन से ड्रिलिंग के दौरान बार बार आ रही बाधाओं के कारण बचावकर्ता हाथ से ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन सुबह करीब 5:30 बजे निर्माणाधीन सिलकियारा डंडाल गांव सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 41 श्रमिक फंस गए थे, जिसके बाद उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा बचाव कार्य शुरू किया गया और कंप्रेशर से दबाव बनाकर पाइप के जरिए फंसे श्रमिकों के लिए ऑक्सीजन, बिजली और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। Thank you.